एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द टॉपिक ऑफ़ कंज्यूमर बिहेवियर द थ्यूरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर द बेसिक क्वेश्चन अराइजेज दैन वट वाज़ द पर्पज टू स्टडी द कंज़्यूमर बिहेवियर थ्यूरी जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्यूरी को स्टडी करते हैं तो हमारे पास अगर देखें तो मुख्तफ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं तो अगर पहले देखें तो हमने चूँकि अपने कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी जितनी भी हमने अपनी थ्रेटिकली हाइपोथेटिकली बनाई है हम उसको चूंकि टेस्ट करना चाह रहे हैं स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत थी उसके साथ साथ हम एक बिहेवियर है जो कंज्यूमर का हम उसके बारे में असेसमेंट करना चाहते हैं उसको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आज उसका बिहेवियर ये है कल कैसा होगा जब हालात चेंज हो जाएंगे इनकम बदलेगी या प्राइसेस बदलेंगी या उसकी अपने फैक्टर्स मेन उसकी एज चेंज हो सकती है हम अगर उस हवाले से देखें क्या उसका बिहेवियर सेम रहेगा या नहीं ये प्रोडिक्शन में हमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है इसी तरीके से अगर हमने एस्टिमेट लगाना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होने से मार्केट डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा हमने वो जो चीज़ें वो मार्केट में से हासिल कर रहा है परचेज़ कर रहा है तो क्योंकि उसी की की के डिसीजन की बेस के ऊपर हमने देखना है तो मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं वो डिमांड का सामने आएगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर हम देखें कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम एक पॉइंट ऑफ इक्ब्रियम देख रहे होते हैं या हम वो पॉइंट देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि कंज्यूमर ने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लिया है या हम कहते हैं कि ऑप्टिमल चॉइस पे आ गया है तो जब हम ये वाली टर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त जो कमोडिटी जिसने उसकी चॉइस को ऑप्टिमाइज़ किया है उसकी चॉइस को सेटिस्फाई किया है उस कमोडिटी में बेसिक फ़ीचर्स क्या थे उसके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं जिसकी बेस पे हम असेस करते हैं कि इन फ़ीचर्स को उसने प्रेफर किया है तो क्या कोई दूसरी कमोडिटी कोई दूसरी शय उसमें भी अगर यही वाले फ़ीचर्स होंगे तो क्या वो उनको भी इसी तरीके से पसंद करेगा या नहीं तो इसी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी हेल्प आउट करती है कि हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर सकें अब अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में जो एक बुनियादी अजम्पशन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं जब भी हम करेंगे इकनॉमिक्स में दैट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन और हमने इसीलिए हर चीज़ को जब भी चाहे उसकी कॉस्ट की बात करनी है अखराज की चाहे उसकी कंजम्पशन की बात करनी है हमने उसमें से अमंग आल चॉइस अवेलेबल में से जब भी देखनी है जो बेहतरीन चीज़ होगी हम उसके मुताबिक जाते हैं तो वो बेहतरीन फ़ैसला या बेहतरीन चीज़ को हम ऑप्टिमाइजेशन में देखते हैं और ऑप्टिमाइजेशन को जब भी करेंगे तो वो कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस की ऑप्टिमल चॉइसेस के बारे में बात करेगा तो जो ऑप्टिमल चॉइसेस को जब हम देखें तो उसके लिए हमारे पास एक थ्री स्टेप्स का फार्मूलेट है वो थ्री स्टेप्स का फार्मूलेट कहता है कि जब भी आपने एनालिसिस करना है कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी का तो सबसे पहले आप उसका एक कंज्यूमर प्रेफरेंस का मॉडल बनाएंगे और उस कंज्यूमर प्रेफरेंस के मॉडल को जब भी हमने देखना है तो जो भी कंज्यूमर कमोडिटीज़ इस्तेमाल कर रहा है या प्रेफर करेगा या नहीं करेगा तो हमें उसकी कमोडिटीज़ की प्रेफरेंसेस के लिए जो रैंकिंग का मॉडल है वो हमारे पास होना चाहिए कि वो किस शेयर को किस के ऊपर तरजीह दे रहा है या किस को दूसरे के ऊपर कम तरजीह दे रहा है तो कंज्यूमर्स की रैंकिंग जो है वो हमारी इस थ्योरी की बुनियादी हकायक में से आएगा और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिन कंज्यूमर्स के कंजम्पशन बंडल्स को जिनको वो प्रेफर कर रहे हैं उसकी जो प्राइस हैं जो कीमत है वो कंज़्यूमर की इनकम और जो फिज़िबल सेट है क्योंकि उसका जो बजट लाइन है वो उस कंज़्यूमर का फिज़िबल सेट है उस कंज़्यूमर के फिज़िबल सेट के अंदर जो मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस के तहत वो उस शेयर की कितनी मकदार को ख़रीद सकेगा तो अगर हम देखें तो चूँकि अगर एक की आमदन ज़्यादा है तो वो उसी कीमत के तहत ज़्यादा अशिया ख़रीद सकता है अगर कम होगी तो उसी प्राइस पे वो कम अशिया ख़रीद सकता है और उसी तरीके से अगर आमदन उतनी है और प्राइस बढ़ जाती हैं तो उसी लिमिट के अंदर वो उसका फिज़िबल सेट जो है वो उसको ये मैसेज देता है कि अब आपने कमोडिटीज़ की क्वांटिटी कम परचेज़ करनी है तो इसीलिए अगर हम देखें तो रैंकिंग और रैंकिंग के बाद उसकी प्राइसेस और उसके बाद हमने कंज्यूमर प्रेफरेंस का जो मॉडल लगाया है उसकी ऑर्डरिंग को देखते हुए हमने इन दोनों के कम्बिनेशन को असेस करना है कि ये उसकी चॉइस है ये उसका फिजिबल सेट है और हम उसकी कंज्यूमर थ्योरी के मॉडल को असेस करते हैं अब अगर हम देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी का है वो जो हमारे पास एक बुनियादी हक़ है वो ये बताता है कि इंडिविजुअल जब भी कमोडिटीज़ को वो परचेज़ करेगा या लेगा वो उनमें रैंकिंग ज़रूर करेगा वो किसी भी फीचर्स की वजह से करे वो अपनी चॉइस की प्रेफरेंसेस की वजह से करे और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यही जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये उनकी प्रेफरेंसेस को डिज़ायर्स को और उसकी ख्वाहिशात को एक्सप्रेस करने का एक वे बनता है जिसके ज़रिए हम देखें तो ये उसका एक्सप्रेशन वे हमारे सामने आता है और मोस्टली तौर पे अगर वो प्रेफरेंस करता है तो वो जितने बंडल्स उसके पास होंगे उसके वो फ़ीचर्स की इंफॉर्मेशन होंगी उसके पास जिसकी बेस पे वो उनको हमेशा कंपेयर करता है तो जब अब हम इस कॉन्सेप्ट देखें तो जो बेसिक कजम्पशन कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की हमारे पास आती हैं तो वो यही है कि हम कंज्यूमर बिहेवियर में जो कंजम्पशन बंडल है उसको हम एक वेक्टर से डिनोट लाजमी करेंगे और जो नॉन नेगेटिव होगा और जो कंज्यूमर है वो उसकी जो भी कमोडिटीज़ इस्तेमाल करेगा वो ज़ीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ जाएंगी वो ज़ीरो से नीचे यानी नेगेटिव नहीं, नहीं हो सकती और वो परफेक्ट फॉर्म में लेगा कंप्लीट फॉर्म में लेगा जो डिविजिबल भी हो सकती हैं और जो प्रेफरेंसेस में है वो उनको वाजिया फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा आइदर कंज्यूमर कहता है कि आई प्रेफर कंजम्पशन बंडल वन टू टू तो वो उसको वाजिया करेगा और अगर वो कहता है कि आई प्रेफर बंडल टू टू बंडल वन तो इसको भी वो एक्सप्रेस प्रेफरेबली करेगा और अगर वो इन दोनों प्रेफरेंसेस के दरमियान में वो अपनी एक प्रेफरेंस ये बताता है कि मेरे लिए दोनों बंडल बराबर हैं मेरी तरजीह नहीं है तो वो इसको भी प्रॉपरली एक्सप्रेस करेगा तो ये एक्सप्रेशन कंज्यूमर थेरी में वाजिया होने चाहिए डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तो अगर हम देखें तो अब अपनी रैंकिंग में अगर वो दो तीन चार या पाँच बंडल्स ले रहा है और उन पाँच बंडल्स में से वो जिसको सिलेक्ट कर रहा है तो जो बंडल कंज्यूमर ने सिलेक्ट कर लिया फाइनली हम अगर कहें तो उन पाँच अवेलेबल बंडल्स में से वो उसका हाईएस्ट रैंक बंडल कहलाएगा हम उसके बाकी चीज़ों पे नहीं देखेंगे उसकी प्रेफरेंस से हम कहेंगे कि द बंडल दैट वाज सिलेक्टेड दैट इज़ ऑफ द हाईएस्ट रैंक अब इसीलिए अगर हम फर्दर एक्सप्रेशन में देखें तो नोटेशन फॉर्म में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे सामने दो बंडल्स को एक्सप्रेस किया गया है और वो दो बंडल्स अगर हम देखें तो ये पहले वाला है जिसको हमने कहा है कि प्राइम और दैट इज़ अब यहाँ नोटेशन में हम कह रहे हैं कि दैट इज प्रेफर्ड एंड एट द सेम टाइम इन डिफरेंट तो ये हमारी नोटेशन कहलाती है वीकली प्रेफर्ड सो एक्स प्राइम का जो बंडल है दैट इज वीकली प्रेफर्ड टू एक्स डबल प्राइम और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो एक्स डबल प्राइम बंडल है दैट इज़ आल्सो वीकली प्रेफर टू एक्स प्राइम अगर अब हम देखें तो हमने एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम दोनों को इक्वल वेट दे दिया है कि ये भी वीकली प्रेफर्ड है ये भी वीकली प्रेफर्ड है तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका कंक्लूजन ये बनता है कि ये दोनों बंडल्स एक्चुअली आपस में इनडिफरेंट हैं कंज्यूमर के लिए क्योंकि कंज्यूमर ना इसको तरजीह दे रहा है और ना दूसरे बंडल को और अगर इसको दूसरी शक्ल में मैं कहूँ तो हम अगर कहें कि एक्स प्राइम इज़ वीकली प्रेफर्ड टू तो एक्स डबल प्राइम लेकिन अब x डबल प्राइम इज़ नॉट वीकली प्रेफर्ड तो उसी कंडीशन को अगर हम नॉट कहें तो इस फॉर्म में बेशक वीकली प्रेफरेंस है लेकिन इसका मतलब होगा कि x प्राइम इज प्रेफर्ड टू x डबल प्राइम तो ये वो नोटेशन है जिसके जरिए हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को एक्सप्रेस करते हैं और अलजब्रिकली या टेक्निकली हम उसको स्टडी कर रहे हो